पौड़ी जिले में कलजी खाल ब्लॉक की किबोली वन पंचायत में बनी अवैध मंजार पर प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। आपको बता दें कि अवैध मंजार के ध्वस्त होने के बाद अब पौड़ी विधायक राजकुमार पौरी सवालों के घेरे में आ गए हैं, जिन्होंने अवैध मजार की पड़ताल किए बगैर ही अवैध मजार के साइड डेवलपमेंट के नाम पर मजार के 3 शेड के लिए 2 लाख रुपए की विधायक निधि स्वीकृति की थी। इसके बाद ही यह मामला गरमाने लगा, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन मजार का निर्माण चारागाह भूमि में होने पर इस मजार का निर्माण अवैध पाया गया, जिसने अब विधायक की मुश्किलें बढ़ा दी है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मजार के लिए कोई पैसा नहीं दिया था निर्माण करने के लिए, ये केवल मैंने 3 सेट बनाने के लिए पैसा दिया था, वो भी हिंदुओं की आस्था के कारण मैंने पैसा दिया, क्योंकि वहाँ पर जो है मुसलमान तो कोई है नहीं। अगर कोई किसी ने मजार बनाई है तो वो मेरे संज्ञान में नहीं था, लेकिन ये था कि मड़धार जगह का नाम है और वहाँ पर 3 सेट बनाने की बात आई थी, तो हमारे मंडल अध्यक्ष के द्वारा जो प्रस्ताव मेरे पास आया उसमें मैंने विधायक निधि रिलीज की है और वो कार्य हुआ नहीं था। ये जो है बात का बतंगड़ बनाने वाली बात है।